नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी इंडिया के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव आपका LSI के इस फैमिली में हार्दिक स्वागत करता हूं। अथर्व 2.0 बैच आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है। BSc थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर। बेसिकली आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर पर बात करने वाले हैं। जो हमारे थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए हम लोगों ने मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर वो बायो से बिलोंग करते हैं अगर तो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, इन सभी के लिए अथर्व 2.0 बैच लॉन्च किया हुआ है। अथर्व 1.0 बैच में मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी दोनों के लिए बच्चों का अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा। उसकी अपार सफलता के बाद बच्चों के ही डिमांड पे हम लोगों ने अथर्व 2.0 बैच लॉन्च कर दिया है। अथर्व 1.0 बैच में जितने भी फीचर्स थे उन सभी को मॉडिफाई एंड अपडेट करने के बाद अथर्व 2.0 बैच आपके सामने अब प्रस्तुत है। ठीक है, तो आपके सामने जो बैच के फीचर्स लिखे हुए हैं, आप पहले बैच के फीचर्स को ध्यान से पढ़िए कि आपको इस बैच में क्या क्या चीजें एडवांस मिलने वाली हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलती। जैसे बैच के फीचर्स में आपको सारे यूनिट वाइज वीडियो लेक्चर्स, जितने भी यूनिट के वीडियो लेक्चर्स है, जैसे कि आप जानते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपके 8 यूनिट थे पार्ट ए एंड पार्ट बी में, जैसे वहां 8 यूनिट थे 4 यूनिट ऊपर 4 यूनिट नीचे करके, उसी तरीके से आपको यहां भी पार्ट ए और पार्ट बी यानी कि थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स फिर से दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। आपका पार्ट ए बिल्कुल नया चीज, सबसे एडवांस चीज, सबसे अच्छी चीज जो आपको हायर मैथमेटिक्स में काम आने वाली है, वो होने वाली है अलजेब्रा। क्या होने वाली है? अलजेब्रा। वो अलजेब्रा नहीं जो आप XYZ X² Y² Z² पढ़ते थे, ये अलजेब्रा, ये मैथमेटिक्स की सोल है। ठीक है, ये आत्मा है मैथमेटिक्स की जो तुझे हमेशा सताएगी, वो वाली नहीं, एक अच्छी मैथमेटिक्स की आत्मा जो आपके लिए हमेशा साथ देने वाली है। अलजेब्रा आपका पार्ट ए होने वाला है और पार्ट बी में आपको मैथमेटिकल मेथड्स पढ़ने हैं। तो थर्ड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स में पूरी जान लगा देनी है, इसके लिए आपको अथर्व 2.0 बैच ज्वाइन करना है, जिसमें हम लोग आपके लिए बेसिक फीचर्स क्या क्या लेके आए हुए हैं उनको देखिएगा। वीडियो लेक्चर्स जो आपको 8 यूनिट के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं, लाइव डाउट सेशन, बच्चों के जो अपने डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करने के लिए हम लोग लाइव डाउट सेशन चलाने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो भी एक इंडिविजुअल बच्चे की डाउट होती है उसको लेंगे और उसको क्लियर करने का ट्राई करेंगे। ई बुक और नोट्स, जैसे कि बच्चों की सबसे बड़ी डिमांड होती है सर नोट्स कैसे मिलेंगे, तो जो नोट्स और ई बुक होंगे वो हमारे ऐप पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने से पहले डेमो वीडियोस भी आपको उसी ऐप पे मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको सिंपली हमारा लेट्स स्टडी इंडिया का ऐप डाउनलोड करना है जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आपको उस ऐप को डाउनलोड करना है, बैचेस आपको दिखेंगे, उस बैचेस में आपको जो मैथ्स का बैच होगा उस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो फ्री कंटेंट अवेलेबल होगा आप वहां जाके डेमो वीडियोस देखिए, जितने फ्री मटेरियल्स में आपको मिलते हैं उस फ्री मटेरियल्स को पढ़ने का ट्राई करिए और चीजों को समझने का प्रयास करिए कि आपको इस बैच में कैसे और क्यों इनरोल करना चाहिए। वीडियो लेक्चर्स, लाइव डाउट सेशन, ई बुक एंड नोट्स, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एग्जाम से पहले बच्चों की सबसे बड़ी डिमांड होती है सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताइए कि क्या पढ़ लिया जाए और एग्जाम में वही आए, तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 4-5 साल का पेपर मिल जाए तो ज्यादा हेल्प हो जाती है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मॉडल पेपर्स, जो आपको मॉडल पेपर्स मतलब एग्जाम में हूबहू दिखने वाले वैसे ही मॉडल पेपर्स जो आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, हो सकता है वही क्वेश्चन मिल जाए, ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी वही क्वेश्चन मिल जाए। जिस तरीके के धुरंधर शिक्षक आपको यहां पढ़ाने वाले हैं, जिस तरीके के अपने फील्ड के सबसे एक्सपर्ट लोग आपको यहां पढ़ाने वाले हैं मैथमेटिक्स, ठीक है, मैं पता नहीं एक्सपर्ट हूं या नहीं वो आप डिसाइड करेंगे, मैं पता नहीं हूं या नहीं, पर मेरा साथ देने के लिए जो शिक्षक यहां आएंगे जो आपको पढ़ाएंगे वो अपने आप में ही बहुत महान है। ठीक है, मॉडल पेपर्स, लाइव वन शॉट फॉर एवरी चैप्टर, रिवीजन, जैसे कि हम लोग अब कुछ बच्चों का रिवीजन कराना पड़ता है, कुछ चीजें आपकी अगर छूट गई हैं तो आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग लाइव वन शॉट हर एक चैप्टर के लिए वन शॉट रिवीजन देते हैं। टेलीफोनिक मेंटरशिप फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, जैसे किसी बच्चे को अगर अपने कुछ पर्सनल डाउट्स होती हैं कि सर मैं सबके सामने नहीं पूछूंगा, मुझे थोड़ी शर्म आ रही है पूछने में, तो उसके लिए हम लोग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी करते हैं। हाँ, अगर वीडियो कॉल करना चाहे तो वो भी कर सकता है। ठीक है, जैसे ये बैच है, बैच मैथ्स एंड बायोलॉजी दोनों के लिए है। ठीक है, तो बीएससी मैथ्स एंड बायो दोनों के लिए, जिसमें आपको सब्जेक्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री सारी कुछ मिलने वाली है दोनों बैचेस के लिए। इस बैच की जो प्राइस थी वो प्राइस अथर्व 1.0 में थोड़ी ज्यादा थी, कुछ बच्चों की कंप्लेन थी कि सर थोड़ी प्राइस ज्यादा है, हम लोग का भी कुछ कल्याण करिए और फीस को थोड़ा कम करिए, तो फीस को कम करके 7000 से हटा के 2699 2699 कर दी गई है, यानी ये फीस आपको अब 2700 के आसपास मिलने वाली है। 2700 के आसपास मैंने क्यों बोला, क्योंकि अगर आप कुछ बच्चे अगर सोचेंगे सर कुछ डिस्काउंट वगैरह दीजिए, कुछ डिस्काउंट दीजिए, तो डिस्काउंट पाने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा। अगर कूपन कोड आप यूज करते हैं तो आपकी फीस जो होने वाली है वो थोड़ी और रिड्यूस हो जाएगी। इस फीस को देखते हुए
आप जितने फीचर्स इस बैच में पाएंगे आपको लगेगा कि हाँ ये फीस इतनी भी बहुत ज्यादा फीस नहीं है, क्योंकि जितने फीचर्स हम आपको प्रोवाइड कराने वाले वो बेसिकली किसी भी ऑफलाइन क्लासेस से बहुत अच्छी है। ठीक है, इसमें अगर आप कोड यूज करते हैं प्रवीण 10 PRAVEEN 10 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, प्रवीण 10 यूज करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा तो फीस आपकी थोड़ी और कम हो जाएगी, लगभग 2400-2500 में आपको ये कोर्स परचेस करना पड़ेगा। ठीक है, इस बैच के जो स्पेशल फीचर्स मैंने आपसे डिस्कस की वो अपने में ही खूब है। ठीक है, इनके अलावा भी कई ऐसे फीचर्स हैं जो यहाँ लिखे नहीं गए, गिनती इतनी ज्यादा है यहाँ लिखने का जगह भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं कि बैच आपके लिए और किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, इस बैच में जितनी भी चीजें हैं इनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका ये सिलेबस, आज हम लोग मेनली सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर का, तो थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के सिलेबस पर अगर बात करोगे तो वो सिलेबस दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी में। पार्ट ए और पार्ट बी जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में होता था वैसे यहां भी है। तो पार्ट ए अलजेब्रा होने वाला और पार्ट बी को हम लोग मैथमेटिकल मेथड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, दीनदयाल उपाध्याय हो, चाहे वो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आप सिलेबस मैच करा लीजिए। उसके सारे वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, हमने यूट्यूब पे फ्री कंटेंट भी लगाया हुआ है, आप उनको भी देख सकते हैं, लेकिन फ्री में और पेड में इतना ही अंदर है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक इंडिविजुअल गैदरिंग बच्चों की कर सकते हैं जिन पे हम अच्छी खासी नजर रख सकते हैं। ठीक है, हमारा ये परिवार जो है 55,000-56,000 तक फैला हुआ है, तो हमारे जो पेड बैचेस होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इंडिविजुअल बच्चों पे अलग अलग से निगरानी रखना काफी आसान हो जाता है। ठीक है, और चीजें थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोवाइड की जाती हैं। एक होता है बिल्कुल बेसिक सा ध्यान देना, मिठाइयां भी आपने दो दो कैटेगरी की खाई हुई है, 200 रुपए किलो भी होती है, 700 रुपए किलो भी होती है, तो वो अलग बात होती है कि 200 किलो वाला भी मिठाई है और 700 किलो वाली भी मिठाई ही है आपके लिए, लेकिन 700 वाले में क्या स्पेशल चीजें हैं वो स्पेशल प्रोवाइड हम कराते हैं किसी खास व्यक्ति को, तो आप सभी हमारे लिए उतने ही खास हैं। ठीक है, तो डिटेल सिलेबस पढ़ते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए। तो थर्ड सेमेस्टर में देखना क्या है, हमारा जो ये परिवार है वो काफी ब्रॉड तरीके से फैला हुआ है। ठीक है, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ के लेट स्टडी इंडिया का हेल्प ले सकते हैं, इनके स्टडी मटेरियल्स को पढ़ सकते हैं, जैसे फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, टेलीग्राम तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम पेज जाइएगा, लेट स्टडी इंडिया सर्च करिए। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वहां भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जा सकते हैं। तो टेलीग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ट्विटर हैंडल भी है और लेट स्टडी इंडिया का यूट्यूब चैनल तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं अपने सिलेबस के बारे में। तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है फिर से मैंने बताया कि दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी क्या होने वाला है ध्यान से देखिएगा। जो आपका पार्ट ए है वो है अलजेब्रा, और दूसरा वाला पार्ट आपका रहेगा मैथमेटिकल मेथड्स, दूसरा पार्ट होगा मैथमेटिकल मेथड्स। ठीक है, तो अलजेब्रा और मैथमेटिकल मेथड, अलजेब्रा आपको एसकेटी सर पढ़ाते हुए दिखेंगे, वो बहुत महान टीचर हैं। बिल्कुल, क्यों मैंने बोला महान, क्योंकि वो हमारे भी गुरु रह चुके हैं, तो आप समझ जाइए कि वो कितने महान होंगे और कितने धुरंधर अध्यापक वो होंगे। तो अलजेब्रा जो कि सबसे ज्यादा पकड़ उनके अलजेब्रा पे है, तो वो आपको अलजेब्रा पढ़ाने वाले हैं, उनसे बेहतरीन शिक्षक ढूंढ पाना मुश्किल है। और मैथमेटिकल मेथड्स के कुछ टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, मे बी मैं पूरा मैथमेटिकल ही मेथड ही आपको पढ़ाऊं, ठीक है, लेकिन अलजेब्रा का पोर्शन आपको एसकेटी सर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे कि हमारा सिलेबस क्या है, कैसे डिवाइडेड है। तो पार्ट ए जो आपका अलजेब्रा होने वाला है, उस अलजेब्रा में पहली यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, पहला यूनिट जो है आपको अलजेब्रा के बारे में सिखा रहा है तो आपको इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंशियंट मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिशियंस शुड बी इंक्लूडेड अंडर कंटिन्यूअस इंटरनल इवैल्यूएशन। ठीक है, हमें पहले कुछ गणितज्ञों के बारे में पढ़ना है कि हाँ ये गणितज्ञ हमें क्या बताते हैं, इनकी मैथमेटिक्स कैसी थी, कहां तक इनकी मैथमेटिक्स फैली हुई थी, इनका यूज हमारे इस मैथमेटिक्स में कैसे है, अलजेब्रा दूसरे डिपार्टमेंट के मैथमेटिक्स से कैसे अलग है, वो आपको यहां सीखनी है। ये आपकी सबसे बेसिक नींव है जब आप अलजेब्रा को जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, अलजेब्रा के बाद एडवांस अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कंटेम्प्रेरी अलजेब्रा, ठीक है, उसके बाद आप जाएंगे तो टोपोलॉजी, सारी चीजें जो है वो अलजेब्रा के बेसिस पे आगे बढ़ती चली जाती है। तो अलजेब्रा की सबसे पहली सीढ़ी आपको यहां पहले यूनिट में अलजेब्रा में कवर करनी है। ठीक है, जिसमें आपको क्या बताया जाएगा, जिसमें आपको शुरुआत से जैसे जैसे चीजें स्टार्ट होंगी, इक्विवेलेंस रिलेशन से चीजें स्टार्ट होंगी, इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होते हैं, पार्टीशंस क्या होते हैं, उसके बाद एक नया रिलेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन क्या होता है और कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन क्या होता है। इस सिंबल को हम लोग मॉडुलो एन बोलते थे, इसको बोलते हैं मॉडुलो एन। ठीक है, तो मॉडुलो एन क्या होता है इसके बारे में जानकारी आपको इसी वीडियोस में दी जाएंगी। जैसे आगे आगे हमारा जैसे सिलेबस बढ़ता रहेगा, तो इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद पार्टीशन, पार्टीशन के बाद कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो,
एंड डेफिनेशन ऑफ अ ग्रुप। अब यहां से स्टार्ट होगा, आपको यही पढ़ना है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ग्रुप थियरी। क्या बोलते हैं? ग्रुप थियरी। इसे बोला जाएगा ग्रुप थियरी। आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो हम लोगों ने इंटीग्रल डिफरेंशियल पढ़ा, उसके बाद अब थर्ड सेमेस्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यहां से अलजेब्रा और मैथमेटिकल मेथड स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अलजेब्रा में कहानी ग्रुप थियरी से स्टार्ट होती है। तो ग्रुप थियरी क्या है, उसके एग्जांपल्स, सिंपल उसकी प्रॉपर्टीज। किसी भी एक स्ट्रक्चर को ग्रुप बनने के लिए कम से कम चार प्रॉपर्टीज चाहिए। कौन कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए बेटा? क्लोजर प्रॉपर्टी चाहिए होती है, क्लोजर चाहिए होता है, एसोसिएटिव चाहिए होता है, ठीक है, एसोसिएटिव चाहिए होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी चाहिए होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स चाहिए होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स चाहिए होता है। अगर वो अबेलियन ग्रुप बनना चाहता है तो उसको कम्यूटेटिव भी होना पड़ेगा, कम्यूटेटिव भी होना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको एसकेटी सर बेहतरीन तरीके से बताते हुए दिखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। हमारी क्लासेस जब से आने वाली हैं, एप क्लासेस लगभग 10 तारीख के बाद से अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप ध्यान से पहले डेमो वीडियोस को देखिएगा, क्या क्या चीजें हैं, हम लोगों ने यूट्यूब पे क्या काम किया हुआ है थर्ड सेमेस्टर को लेकर, आप उसको भी देखिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे इसी तरीके से। तो पहले यूनिट में आपको इतनी जानकारी रखनी है। तो यूनिट पहला तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहीं से आपकी ग्रुप थ्योरी की बेसिस स्टार्ट होती है। डिफिनेशन ऑफ अ ग्रुप विद एग्जांपल्स, सिंपल प्रॉपर्टीज। अब डिफिनेशन ऑफ ग्रुप के बाद एक नई टॉपिक आएगी सब ग्रुप। सब ग्रुप के बाद जनरेटर ऑफ अ ग्रुप, ग्रुप को जनरेट कौन करता है। फिर उसके बाद एक नई टॉपिक साइक्लिक ग्रुप। ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आपने बीएससी में मैथमेटिक्स चूज किया हो तो आप हायर मैथमेटिक्स में एंटर कर चुके हैं और हायर मैथमेटिक्स में चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। यूनिट नंबर टू पे आओगे तो आप वो परमुटेशन देखेंगे, वो परमुटेशन नहीं जो आपने 11th 12th में पढ़ा हुआ है, 10th में पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं। यहां क्या है, परमुटेशन के बेसिस पे ग्रुप पढ़ना है, परमुटेशन ग्रुप पढ़ना है, इवन एन ऑड परमुटेशंस पढ़ने हैं। अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है, कैलेस थ्योरम क्या होता है, डायरेक्ट ग्रुप का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ग्रुप अगर दो ग्रुप है G1 G2 तो प्रोडक्ट कैसे किया जाएगा, कोसेट क्या होता है, कोसेट का कंपोजिशन। अब कोसेट में भी है तो लेफ्ट हैंड कोसेट, राइट हैंड कोसेट होते हैं। लैग्रांजेस थ्योरम क्या है, उनके कंसिक्वेंसेस मतलब उनका यूज क्या है। फर्मेट थ्योरम और यूलर्स का थ्योरम, फर्मेट थ्योरम और यूलर थ्योरम, ये चीजें नई नई है जो आपके लिए पढ़नी है। आप बिल्कुल नए मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट में एंटर कर रहे हैं। आइए बात करते हैं थर्ड यूनिट के बारे में, जो पार्ट ए का तीसरा यूनिट है। तो यहां से चीजें आप देखो ग्रुप पे बढ़ने चलती हैं, आगे की ओर बढ़ रही है। अब सब ग्रुप के बाद आता है नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट कोसेंट ग्रुप क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म के बाद बेटा आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म एंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। जैसे यहां से चीजें आपको होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म में पढ़नी है। ये चीजें जब आपको एसकेटी सर क्लियर करते चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये चीजें नाम से इतनी कठिन थी, लेकिन क्या वाकई में इतनी कठिन है? ये बहुत चीजें आसान है। आपको एसकेटी सर अगर पढ़ाएंगे तो आप ये देखिएगा कि अलजेब्रा आपको कितनी आसान लगती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथे यूनिट में आपको पढ़ना है अब आगे एडवांस चीजें, जैसे रिंग क्या होता है, रिंग वो नहीं जो अंगूठी हाथ में पहनते वो रिंग नहीं, रिंग क्या होता है। जैसे ग्रुप है, ग्रुप के बेसिस पे हम लोग ग्रुप के बाद सब ग्रुप पढ़ते, तो रिंग के बाद हम पढ़ेंगे सब रिंग। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, फील्ड क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग क्या होता है, आइडियल एंड कोसेंट रिंग क्या होता है, रिंग होमोमॉर्फिज्म एंड कोसेंट फील्ड ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन। आपको इंटीग्रल डोमेन जैसे कि आईडी पीआईडी के बारे में बताया जाएगा तो वो आपको सर बताते हुए दिखेंगे। चीजें आगे की हैं तो पहले फर्स्ट यूनिट से चीजों को सीखने का प्रयास करना। चीजें धीरे धीरे सीखोगे तो अलजेब्रा पहले ये थर्ड सेमेस्टर की उतनी कठिन नहीं है, इसके बाद जब आप फिफ्थ सेमेस्टर या सिक्स में जाएंगे तब तो आपको अलजेब्रा कठिन लगेगी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, लेकिन फिर भी आपका एसकेटी सर अगर सपोर्ट करते दिख गए तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। देखिए पार्ट बी आता है, पार्ट बी में मैथमेटिकल मेथड्स हैं, पार्ट बी में मैथमेटिकल मेथड्स हैं। इसकी जो पहली वाली यूनिट है वो आपके ट्वेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ट्वेल्थ के बेसिस पे आपने जो पढ़ा होगा, ट्वेल्थ के बेसिस पे जो पढ़ा होगा उसी का यूज थोड़ा आगे तक करना है। जैसे कहानी स्टार्ट होती है पहले यूनिट में लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी जो आपने वहां पढ़ा हुआ है, यहां टू वेरिएबल्स का पढ़ना है। लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन क्या होती है कि एक रिजल्ट अगर ए से बी की तरफ सही है तो वो रिजल्ट उल्टा बी से ए की तरफ भी सही होना चाहिए। दिस इज नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन। ठीक है, स्वार्ज एंड यंग थ्योरम क्या है, टेलर्स थ्योरम क्या होता है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, यानी देख रहे हैं कि ये जो यूनिट है इस दो वेरिएबल पे डिपेंड है। ठीक है, विद एन एग्जांपल्स मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, लैग्रांजे मल्टीप्लायर मेथड एंड जैकोबियंस। ठीक है, यूनिट देखने में थोड़ी बड़ी है लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग यूनिट बहुत सिंपल है। जब मैं क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करूंगा तो आप समझिएगा, देखते चलेगा क्वेश्चन कितने आसानी से इसके लग जाने हैं।
सेकेंड यूनिट में आओगे तो सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट जो होती है बच्चों की फेवरेट यूनिट होती है, जिसको हम लोग लाप्लास, सेकेंड यूनिट में आपको लाप्लास और थर्ड यूनिट में आपको फूरियर पढ़ना पड़ता है, ठीक है। एग्जिस्टेंस थ्योरम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, अगर लाप्लास और फूरियर के क्वेश्चन एग्जाम में दिखते तो बच्चा पहले पेन उठा के वहीं से करना स्टार्ट करता है, क्योंकि लाप्लास फूरियर सबको बहुत अच्छे से आता है। तो हम लोग टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे, वो भी सेकंड यूनिट और थर्ड से स्टार्ट करेंगे, ताकि आपका इंटरेस्ट बने और आप उन क्वेश्चन को पहले कर पाए जो आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आने वाले हैं, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस थ्योरम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लिनियरिटी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में ढेर सारे सवाल लाप्लास के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। कन्वोल्यूशन थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, नेम से ही थ्योरम पूछता है या कभी कभी इसका एक्सप्रेशन ही दे देता है। कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है, इनवर्स लाप्लास क्या होता है, सवाल एक लाप्लास पे आएगा और एक इनवर्स लाप्लास पे आएगा। एंड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास पढ़ लिया तो लाप्लास का यूज कहां करोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, दो यूनिट हो गई, थर्ड यूनिट में आपको फूरियर पढ़ना पड़ेगा, थर्ड यूनिट में आपको फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। तो फूरियर सीरीज क्या होती है, फूरियर के एक्सपेंशन ऑफ पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शंस, मोनोटोनिक का मतलब होता है जो लगातार बढ़ने वाले फंक्शन होते हैं उनमें फूरियर का एक्सपेंशन कैसे करते हैं, हाफ एंड फुल रेंज एक्सपेंशन, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एंड फूरियर इंटीग्रल्स, ठीक। मे भी आपको फूरियर थोड़ा कठिन लगे क्योंकि सीरीज जो होती है थोड़ी सी बड़ी होती है, कठिन नहीं लगेगा जब तक मैं यहां खड़ा हूं, तब तक आपको चीजें कठिन लगने वाली नहीं है, चीजें बहुत बेसिक तरीके से आपको समझाई जाने वाली है, ठीक है। चौथी वाली यूनिट आपके लिए सिंपल यूनिट होने वाले, सवाल बड़े सिलेक्टेड आते हैं पेपर में, जो आपको बताए जाएंगे वही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। वेरिएशनल प्रॉब्लम्स विद फिक्स्ड बाउंड्रीज, जैसे टॉपिक का नाम है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीओवी के नाम से भी जानते हैं, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशनल प्रॉब्लम ऑफ फिक्स्ड बाउंड्रीज, जैसे इसमें पेंडुलम का प्रॉब्लम होता है और ढेर सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। यूलर्स इक्वेशन ऑफ फंक्शनल कंटेनिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक y होता है और एक dy by dx होता है, इक्वेशन में एक y होता है एक dy by dx होता है, इस तरीके का इक्वेशन जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं वेरिएशनल प्रॉब्लम फिक्स्ड बाउंड्रीज के साथ, इसे यूलर का इक्वेशन ही बोलते हैं। मैं आपको डिराइव करके दिखाऊंगा कि यूलर का इक्वेशन क्या है, ठीक है। एक्सट्रीमल्स क्या होते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब इसकी डिग्री एक से ज्यादा हो जाती है, ठीक है। वेरिएशनल प्रॉब्लम्स इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है, टी के फॉर्म में जो इक्वेशन दिए होंगे, मैं आपको जब डिटेल में सब कुछ समझाऊंगा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन जब पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, तो आप समझिएगा मैं कैसे आपको इक्वेशन बताता हूं, कौन सा यूलर्स इक्वेशन है, किसमें पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन लगाना है। यूलर्स ऑस्ट्रोगाट्स्काई इक्वेशन होता है जो एग्जाम में आता है काफी, लेकिन वो आपके सिलेबस में इसमें पार्ट नहीं है, वो एमएससी का सिलेबस होता है, तो उसको हम लोग यहां डिस्कस करने वाले नहीं है, ठीक है। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन चौथी यूनिट है, तीसरे वाले यूनिट में आपको फूरियर पढ़ना है, दूसरे वाले यूनिट में आपको लाप्लास पढ़ना है, और इसके पार्ट बी का बता रहा हूं, पार्ट बी के अकॉर्डिंग अगर चलोगे या देख लो ऐसे चलो जैसे हम शुरू से पढ़े एक बार, तो शुरू से देखना एक बार हम लोग यहां से देखें अगर, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अलजेब्रा में पहली यूनिट में आपको ग्रुप का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो पढ़ना है, ठीक है। दूसरे यूनिट में आओगे तो आपको परमुटेशन ग्रुप पढ़ना है, तीसरे यूनिट में आपको तो नॉर्मल सब ग्रुप, कोसेंट सब ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म पढ़ना है, ठीक है। चौथे वाले यूनिट में आपको रिंग, सब रिंग और इंटीग्रल डोमेन्स के बारे में चीजें पढ़नी है। जब आप पार्ट बी में आते हैं मैथमेटिकल मेथड्स में, तो आप यूनिट वन में लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी पढ़ते हैं, दूसरे वाले यूनिट में आप लाप्लास पढ़ते हैं, तीसरे वाले यूनिट में आप फूरियर पढ़ते हैं, और चौथी वाले यूनिट में आप कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो चारों यूनिट है पार्ट ए और पार्ट बी की, ठीक, वो मैं और आप, मेरे साथ कुछ मैथमेटिक्स के और धुरंधर टीचर्स हैं जो आपको ये चीजें कवर करने वाले हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको इस चैनल से नहीं होने वाली है। आप सिंपली हमारा लेट्स स्टडी इंडिया का ऐप डाउनलोड करिए, उस ऐप में जाइए, देखिए जो फ्री मटेरियल का सेक्शन है, जो चीजें आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी 10 अगस्त के बाद से, उनको ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए चीजें। आपके लिए वीडियोस 10 अगस्त से डेली आपके लिए डेमो वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, 10 अगस्त से जो वीडियोस आ रही है पहले आप उनको देखिएगा, फिर आप बैच में एनरोल करिएगा, आप बैच में एनरोल करने के बाद डेमो वीडियोस के आगे क्लासेस पा सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आपको सिंपली हमारा लेट्स स्टडी इंडिया का ऐप डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद फ्री मटेरियल के सेक्शन में जाकर चीजें विजिट करनी है, ठीक है। तो थर्ड सेमेस्टर में के मैथमेटिक्स में ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट का सिलेबस पूरा एनरोल किया हुआ है, चला रहे हैं हम लोग सिलेबस को, ऑलरेडी हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं उससे लगातार, ठीक है, और बच्चों का अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है कि हाँ चीजें सब कुछ सही तरीके से चल रही हैं। तो आई होप कि आप लोग चीजों को देखेंगे, समझेंगे, ऐप पे जाएंगे, ऐप विजिट करेंगे, फ्री मटेरियल का सेक्शन आप 10 अगस्त के बाद से ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। जितने पीडीएफ फॉर्मेट में चीजें अवेलेबल होंगी, टेलीग्राम पे अवेलेबल होंगी, इन सभी का प्रॉपर तरीके से फायदा उठाइए, क्योंकि बीएससी का कोर्स अब आसान कोर्स नहीं है,
हालांकि सेमेस्टर वाइज होने के बाद सबको लगता है काफी आसान है, लेकिन भाई पढ़ाई ढंग से करोगे तभी आगे तक बढ़ोगे। ठीक है, सिंपल ये है कि आपको केवल बीएससी का कोटा पूरा नहीं करना, कुछ चीजें समझनी है और हर जगह बस कोटा पूरा करने का काम ही हो रहा है। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ बढ़ना चाहते हैं, तो इतनी फीस ज्यादा नहीं है कि आपको इतनी सारी चीजें अगर इतनी फीस में प्रोवाइड कराई जाती तो आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाकर देखिए, वहां आप 5 से 7 हजार फीस पे करके आएंगे। ठीक है, और इतनी चीजें आपको वहां प्रोवाइड भी नहीं कराई जाएंगी। ठीक है, तो अतः 2.0 के बैच में आप सभी एक बार फिर से चीजों को समझने का प्रयास करिएगा, क्या क्या चीजें हैं, कैसी कैसी चीजें हैं, डेमो वीडियोस कैसी हैं। तो इस सिलेबस डिस्कशन को यहीं पे खत्म करते हैं। आप अच्छे से सिलेबस देखिएगा, चीजों को नोट करिएगा और क्लासेस आपके पास 10 अगस्त के बाद से लगातार आपके साथ बनती चली जाएंगी, रिकॉर्ड होती चली जाएंगी, आपको मिलती चली जाएंगी और अपनी पढ़ाई आप जारी रखिएगा। टिल देन टेक केयर।